हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मिली जुली किचन में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं मैं पैनकेक बनाई हूँ। तो यहाँ मैं बनाना से पैनकेक बनाई हूँ, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा कि कैसे पैनकेक मैं बनाई हूँ बनाना से। और बहुत ही इजीली है और बहुत ही सॉफ्ट केक बनी है। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 केला पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैंने सोचा कि इसे मैं कुछ यूज कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने दिमाग लगाई कि इसे क्यों ना केक बनाया जाए, बच्चे लोग आराम से खा लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे केक बना रही हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे 3 बनाना है और इसका मैं छिलका उतार ली हूँ और इसे मैं पीसूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सी जार में मैं इसे पीस के रेडी कर ली हूँ और इसमें डाल रही हूँ शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर इसमें डाली हूँ और इसमें डालूँगी मैदा। यहाँ पे देखिए 100 ग्राम के लगभग मैदा है और इसमें डाल देना है थोड़ी सी। तो गाइज, यहाँ पे ये जो पैनकेक है बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और बच्चे लोग को तो केक पसंद ही आती है। तो ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी, अगर आप लोग बेकिंग सोडा भी डाल लेंगे तो डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसे डालने से बहुत ही फुली फुली बनती है। और थोड़ी सी मेरे पास वेनिला नहीं थी तो इसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, ताकि कलर और थोड़ी सी टेस्ट चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग कोको पाउडर डाली हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो गाइस, टेस्ट को थोड़ी सी शानदार बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून, मैं देखिए ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। और इसे मैं मिल्क के साथ ही मिलाऊँगी, पानी से इसे डो नहीं रेडी करूँगी क्योंकि मैं दूध से ही इसे रेडी करूँगी। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से इसे मिला लेना है और ध्यान रहे कि ये एक ही तरफ का हो। तो गाइज, अगर ये केक आप लोग बनाना चाहते हैं तो एक छोटा पैन आता है, उसमें भी आप लोग छोटा छोटा बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो एकदम छोटा वाला पैन नहीं था तो मैं इस पैन में बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से डो इसका रेडी कर लेना है और एक ही साइड से इसे जब घोल रहे हैं तो एक ही साइड से कोशिश करें कि घोलें, दोनों तरफ हाथ नहीं घुमाएं, एक तरफ से घुमाइएगा, ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो देख सकते हैं गाइज, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर फुल वीडियो आप लोग देखते हैं तो वीडियो आप लोग को, आप वीडियो देखकर ही रेसिपी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं घोल के इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा, इस तरह का बेटर इसका रेडी करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना पतला। तो अब आ गई हूँ गैस की ओर। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ पैन गरम हो गई है, थोड़ी सी मैं बटर लगा रही हूँ और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, हाई नहीं रखना है, हाई रखिएगा तो जल जाएगी और लो रखिएगा तो धीरे धीरे अच्छे से पकेगी। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर केक का ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोग का भी आसान हो जाए, मुझे भी आसान हो जाए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि केक का रेसिपी आप लोग को कैसे लगी। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए, इसे ढक दी हूँ और आँच एकदम लो है और इसे मैं अब एक तरफ सेक गई है, दूसरी तरफ सेक रही हूँ। तो इसे लो फ्लेम पे ही सेकना है ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं पलट दी हूँ और थोड़ी सी किनारे मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि गाइज मैं इसे घी में ही बना रही हूँ, आप लोग रिफाइन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, कितना फुली फुली ये पैनकेक रेडी होने वाली है, बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट केक होती है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे इधर भी सेक गई है, तो इस तरह से आपका केक रेडी हो जाती है। फिर मैं दूसरा डाली हूँ, तो इसी तरह से मैं सारे डो को रेडी कर लूँगी।
देख सकते हैं गाइस यहाँ पे केक बन के रेडी है, और ऊपर से मैं दे रही हूँ, अगर आप लोग के पास चॉकलेट सिरप है तो डाल दें, नहीं तो कोको पाउडर और थोड़ी सी चीनी को दूध में घोलकर भी इसे ऊपर से बच्चे को सजा कर दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।